क्लास 10th की मैथ्स की एनसीईआरटी बुक है, पेज नंबर है 182 और चैप्टर का नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें मैं आपको ये क्वेश्चन एग्जांपल जो 4 है इसको मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगी। तो एग्जांपल 4 क्या कह रहा है, विच टर्म ऑफ द एपी, ये एपी सीरीज दिया हुआ है और ये दिया हुआ है -81। इसमें ये कह रहा है कि ये एक एपी सीरीज है, उसमें हमें ये बताना है कि ये -81 जो है ये इस एपी सीरीज में किस टर्म पर आ रहा है। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि -81 जो है इस एपी सीरीज में, क्योंकि देखिए एपी सीरीज आगे तक बढ़ेगी, जहां तक चाहे वहां तक बढ़ सकती है, तो इसी एपी सीरीज में ये -81 है, लेकिन ये किस टर्म पर है यही हमें पता करना है, यानी कि यहाँ हमें एन की वैल्यू पता करनी। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे ये कहूं कि ये 18 जो है ये एपी सीरीज में किस टर्म पर है, तो यहां से तो हमें साफ पता चल रहा है कि ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, यानी कि सेकेंड टर्म पर 18 की वैल्यू दी हुई। उसी तरह से -81 भी इस एपी सीरीज में है, लेकिन किस टर्म पे है, फोर्थ टर्म पे है कि सेवंथ टर्म पे है कि नाइन्थ टर्म पे है, हमें वो पता करना, यानी कि यहाँ पे हमें एन की वैल्यू पता करनी है। सेकंड क्या बोल रहा है, आल्सो इज एनी टर्म जीरो। अब ये भी सेकंड सवाल कर रहा है, क्या इस एपी सीरीज में जीरो भी कोई है, क्या कोई टर्म है क्या जीरो, इज एनी टर्म जीरो, हमें ये पता करना, गिव रीजन फॉर योर आंसर। ठीक है, तो मैं इसको एक्सप्लेन, तो ये देखिए यहाँ पर मैंने ये कुछ इस वाले एग्जांपल से ये एपी सीरीज यहाँ पे लिख दिया है और मैंने बता दिया है कि हमें यहाँ पे क्या निकालना है, एन निकालना है, क्या निकालना है, एन निकालना, और एन जो है वो टर्म बता रहा है जिस टर्म पर, जिस टर्म की वैल्यू कितनी दी हुई, -81, यानी कि ये ए एन दिया हुआ है -81। ठीक है, ये एन ए एन दिया हुआ है -81। तो अब देखिए इसका मेन फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन -1d, ये मेन फॉर्मूला है। ठीक है, इसमें ए एन दिया हुआ है और यहां से देखिए इस एपी सीरीज में ये फर्स्ट टर्म है 21, तो फर्स्ट टर्म 21 है, उसको हम ए से डिनोट करते हैं 21। ये जो ए बता रहा है ये फर्स्ट टर्म बताता है, तो फर्स्ट टर्म तो हमें दिख ही रहा है 21 है, तो ये ए 21 हो गया। ठीक है, अच्छा डी कैसे निकालते हैं, डी निकालने का क्या तरीका है, ये फर्स्ट सेकंड, क्योंकि ये कह दिया है क्वेश्चन में कि ये ऑलरेडी एपी सीरीज है, हमें चेक नहीं करना है, तो ये एपी सीरीज है, तो जस्ट डी निकालने का तरीका, अगर ये एपी सीरीज है कह दिया है तो जस्ट इस सेकंड में से फर्स्ट टर्म माइनस कर, यानी कि 18 -21। तो देखिए आप यहां माइनस कर दीजिए 18, सेकंड टर्म हमारी क्या है 18 और फर्स्ट टर्म क्या है 21, तो सेकंड में से फर्स्ट, यानी कि 18 -21, तो ये देखिए 21 में से 18 आप माइनस करेंगे तो यहां पर क्या आएगा, 11 में से 8 गया 3, यानी कि 3, और देखिए साइन किसका लगेगा, ये बड़ा है 21 तो -3, तो यहां पर जो डी आ रहा है ना वो डी हमारा क्या है -3 है, तो यहां पर साइन का ख्याल रखिएगा, डी आपका पॉजिटिव निगेटिव और जीरो कुछ भी हो सकता है, तो देखिये डी यहां हमारा -3 आ गया, तो हमारे पास जो जो वैल्यू आई हम इस फॉर्मूले में पुट कर देते, ई एन कितना दिए हुआ -81। ये जो 81 इसमें बता रहा है ना, ये किस टर्म पर है हमें वही टर्म पता करना, लेकिन उस टर्म पर जो वैल्यू दी हुई है वो -81 है, यानी कि हमें एन पता करना है और इस टर्म पर जो वैल्यू दी हुई है उसको हम मानेंगे ए एन, तो ये -81 ए एन बता रहा है। तो अब यहाँ हम वैल्यू पुट कर देते हैं, ए एन दिया -81 हमने लिख दिया, ए दिया हुआ हमारा 21 मैंने लिख दिया यहाँ पर, प्लस हमें एन निकालना है तो एन -1, और डी कितना दिया -3, तो -3 को आप ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए आगे क्या करना है, ये क्या पॉजिटिव है, हम इस 21 को इधर शिफ्ट कर देंगे, तो ये 21 इधर आएगा तो क्या है प्लस है तो नेगेटिव हो जाएगा, यस इस तरीके से हो जाएगा इक्वल टू, और ये टर्म क्या है हमारी एन -1 इंटू -3, इसको हम ऐसे ही ले देते हैं। अब देखिए आगे क्या करना है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 81 और 21 क्या करेंगे हम प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 81 और 21, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 102, तो ये हो जाएगा 102, और क्योंकि बड़ा ये है तो साइन इसका नेगेटिव लगेगा। ठीक है, इक्वल टू ये क्या है हमारा -3 हम यहाँ लिख देते हैं इंटू एन -1, हम इसको इस तरीके से तो लिख ही सकते हैं क्योंकि ए इंटू बी लिखे चाहे बी इंटू ए दोनों तो बराबर है, तो इसको मैंने आगे लिख दिया। ठीक है, तो अब देखिए क्या होगा, ये इंटू में है और यहाँ पर माइनस साइन है, तो देखिए अब क्या करना हमें, यहाँ पर ये माइनस माइनस तो ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब क्या यहाँ बच रहा है 102 इक्वल टू 3 एन -1, ये आ रहा है हमारे पास। ठीक है, तो अब देखिए क्या करेंगे आप, ये इंटू में है इसके साथ एन -1 के साथ, तो ये एन -1 यही रहने देते हैं, ये 3 इंटू में है, इसको इधर शिफ्ट करेंगे क्योंकि ये इंटू में है, इधर आएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो ये आ गया हमारे पास एन -1। ठीक है, तो यहाँ से देखिए कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 3 9 और 3 4 12। ठीक है, यह आया हमारे पास, और ये एन -1 और हमें क्या चाहिए, केवल n की वैल्यू चाहिए, तो ये -1 हम इधर शिफ्ट कर देंगे क्योंकि ये -1 है, तो इधर आएगा तो +1 हो जाएगा, तो n आया हमारे पास 34 + 1, तो n की वैल्यू हो गई 35। तो ये n 35 क्या बता रहा है, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, ये एपी सीरीज जो है हम आगे तक लेकर जा सकते हो, कैसे, जस्ट ये डी है ना, सब डी की वैल्यू जो है सब में एड करते चले जाएंगे तो हमारी एपी सीरीज आगे तक बढ़ जाएगी। तो एपी सीरीज में जो 35th टर्म है ना, 35th टर्म,
35th टर्म वो यहाँ आगे आओगी, उसी आगे आएगी अगर हम देखेंगे बढ़ाते चले जाएंगे तो 35th टर्म जो है n इज इक्वल टू 35th टर्म, इस टर्म यही वो टर्म है जिस पर इसकी वैल्यू क्या है -81। ठीक है, तो ये टर्म बता रहा है इसी टर्म पर -81 ये वैल्यू है, तो मैं इसको चेक करके भी दिखा सकती हूँ वो कैसे। हमारा मेन फॉर्मूला क्या है, ई एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, मैं चेक करके दिखा सकती हूँ कि एन जो हमारा टर्म आया है क्या ये सही है कि नहीं। तो जस्ट ये जो फॉर्मूला है ना, ए एन इक्वल टू, यहाँ ए हमारा कितना दिया हुआ है 21, लिख दीजिए आप यहाँ पर 21 प्लस एन कितना है 35। मैं यहाँ पर चेक करके दिखा सकती हूँ कि 35th टर्म पर -81 ही वैल्यू होगी। कैसे, मैं यहाँ चेक कर देती हूँ, ए 21 एन 35 आया, 35 माइनस 1 और डी की वैल्यू दी हुई है -3, तो ए एन इक्वल टू हो जाएगा 21 प्लस 35 में से बन गया 34 इंटू -3 ये हो गया, तो ए एन हो जाएगा 21 प्लस और 3/4 जो 12 और इतना आया विथ माइनस साइन, ब्रैकेट में लिख दीजिए क्योंकि माइनस में है, तो ये हो जाएगा 21 प्लस माइनस माइनस 102। तो अब देखिए यहाँ से आप इसको माइनस कर दीजिए क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, तो 2 में 7 गया 1 और 10 में 2 गए 8, तो ये 81 हुआ और विथ नेगेटिव साइन क्योंकि ये नंबर बड़ा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने चेक करके भी दिखा दिया कि 35th टर्म पर जो वैल्यू है वो -81 है, यहाँ मैंने चेक करके भी दिखा दिया, तो हमारा ये आंसर सही है एन इक्वल टू 35 35th टर्म पर जो है -81 हमारा आएगा। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, आल्सो इज एनी टर्म जीरो, कह रहा है कि एपी सीरीज में क्या कोई टर्म ऐसी है जिसकी वैल्यू जीरो है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि क्या जीरो भी कोई ऐसी वैल्यू है इस एपी सीरीज में, कोई टर्म ऐसा है जिसकी वैल्यू जीरो दी हुई है, ये हमें चेक करना है। तो देखिए इसका कैसे आंसर निकलेगा, यहाँ पर जो जीरो दे रहा है ना, यहाँ पर भी हमें एन ही निकालना है, यहाँ ये पता करना है कि किस टर्म पर ये जो है जीरो वैल्यू है, तो यानी कि यहाँ पर हमारा ए एन दिया हुआ है जीरो और यहाँ पर हमें एन निकालना है। ठीक है, तो जस्ट यही फॉर्मूला है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, तो ए एन कितना दिया हुआ जीरो, ठीक है, ए कितना हमारा 21 फर्स्ट टर्म, ये 21, ठीक है, और यहाँ पर एन हमें निकालना है, इनटू डी कितना दिया हुआ -3, ये मैंने निकाल दिया यहाँ पर, ये देखिए -3 कैसे आया है। तो अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो जीरो इक्वल टू ये 21 जो है ना प्लस 21, इसको इधर शिफ्ट कर देंगे जीरो के साइड, तो ये प्लस 21 इधर आएगा तो -21 हो जाएगा, इक्वल टू ये -3 हम इधर ले देते हैं, ठीक है, ये हो गया। तो देखिए ये माइनस और माइनस कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ रहा है 21 इक्वल टू 3 एन माइनस 1, ठीक है, तो ये इंटू में है, इस 3 को हम इधर शिफ्ट कर देंगे तो इंटू में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो ये एन माइनस 1, तो ये हो गया 7, यानी कि 21 इक्वल टू एन माइनस 1, हमें एन की वैल्यू चाहिए, ये माइनस 1 हम इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ से देखिए एन की वैल्यू 8 आ रही है, एन की वैल्यू 8 आ रही है, ये बता रहा है कि एपी सीरीज में एट्थ टर्म पर जो वैल्यू होगी ना वो जीरो होगी, जीरो होगी, और जीरो इसलिए भी होगी क्योंकि देख सकते हैं डी नेगेटिव में है, डी हमारा कॉमन डिफरेंस क्या है -3, तो आप सब इसमें माइनस देखिए 21 में -3 किया तो ये 18 में -3 ऐड करेंगे तो 15 होगा, तो यहाँ -3 की वजह से क्योंकि घटता चला जाएगा हमारा सीरीज आगे घटता चला जाएगा, डिक्रीजिंग होगा ये हमारा, ठीक है, तो ये घटता चला जाएगा, तो घटते घटते क्या हो जाएगा एक टर्म ऐसी आएगी जिसमें एन की जो वैल्यू होगी वो जीरो होगी, और वो किस टर्म पर होगी एट्थ टर्म पर होगी। तो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, जहां ना समझ में आया कमेंट करके मुझे जरूर बताएं।